राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आज राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल नागपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से संवाद साधा। इस वक्त उनसे यह भी पूछा गया कि क्या गठबंधन में नाराजगी के चलते आत्मनिर्भरता के नारे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मीडिया कार्यक्रम एक दैनिक घटना बन गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों में कोई भी नाराजगी नहीं है। इस दरमियान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पटेल बोले, शरद पवार महाविकास अघाड़ी के पिता है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। महाविकास अघाड़ी शरद पवार द्वारा निर्देशित है, यह जारी रहेगा। बाकी लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन बोलते हैं नाना पटोले, क्या है जवाब, हमें नहीं लगता कि यह सही है, शरद पवार की विस्तृत जवाब दिया। इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, हम इसे दैनिक आधार पर प्रकट करना उचित नहीं समझते है। एचके पाटिल ने बयान दिया है तो हमें वास्तव में किससे बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हर दिन कौन क्या बोलता है इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। फक्त एक सांगतो कि महाविकास आघाडीचे जनक आहे शरद पवार साहेब, आणि कोणी काय म्हणो, शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आहे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालली आहे, पण जे आघाडी म्हणून जे आहे ते निश्चित त्याच्या मार्गदर्शन शरद पवार साहेबांचंच आहे, यापुढे राहतील। आणि म्हणून बाकीचे लोक काय इकडे तिकडे बोलतात आता त्याच्यावर दररोज आम्ही म्हणजे तुम्हाला उत्तर द्यायचं, खुलासा करायचा, मला काही योग्य वाटत नाही। आता मला तर पहिलं हे विचारायचं आहे की त्यांच्या पक्षाच्याच नेतृत्वाला एच के पाटील साहेब काय बोलले। आता आम्ही कोणाच्या म्हणजे बोलण्यावर जावं, एच के पाटील महाराष्ट्राचे प्रभारी आहे, मल्लिकार्जुन खरगे साहेब त्यांचे राज्यसभेचे लीडर आहे, ते मुंबईला येऊन गेले, आता अशोक चव्हाण साहेब आहेत, बाळासाहेब थोरात साहेब आहेत, आता कोण काय बोलतात त्याच्या आम्ही त्याच्यावर दररोज नवीन म्हणजे विषयावर चर्चा करणं एनसीपी के सर्वे सर्व शरद पवार ने कहा था कि मैं नाना पटोले जैसे छोटी आदमी की बात क्यों करूं। अब एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने नाना पटोले पर निशाना साधा है। एचके पाटिल जो कहते हैं हम उसकी कदर करते हैं क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल ने नाना को फटकार लगाई है। प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत की, इस बार उन्होंने यह टोला बनाया है। कांग्रेस बार बार आत्मनिर्भरता की भाषा का प्रयोग कर रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पटेल से पूछा गया। इस पर उन्होंने नाना को बताया जो करना चाहते हैं उन्हें करना चाहिए, किसी ने किसी को नहीं बांधा, यह लीड है, पार्टी को वही करना चाहिए जो वह करना चाहती है, हमें इसका हर दिन जवाब क्यों देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मानसून सत्र में महंगाई, किसानों के मुद्दों, कोरोना और चीनी सीमा पर क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।